व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे सारे गाइस, फाइनली आज हम लोग आ ही चुके हैं अपने सेटअप टू के साथ। बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे इसके लिए। सेटअप टू 2023 मेरा फाइनली आ चुका है। मेरा सेटअप थोड़ा सा छोटा ही है, लाइक हम अभी कॉलेज में है तो मैं अपने लिए नॉर्मल सेटअप बनाया है। सो आपको हम दिखाते हैं कैसा है मेरा सेटअप। सो बिना टाइम वेस्ट डायरेक्टली शुरू करते हैं वीडियो को। It's all about humanity. तो गाइस देख लो, सबसे पहले ही हम लोग का मेन गेट है जो हमारे रूम का गेट है। उसके बाद आप देख सकते हो कि कैसा अभी रूम है आपको ऊपर से दिख रहा होगा। यहाँ पर जो एक नीचे स्टेयर्स दिया हुआ है रूम के लिए एंट्री करने के लिए, तो हम लोग स्टेयर से एंटर कर जाते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेरा वार्डरोब है यहाँ पे, जिसमें अपना कपड़ा रखते हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा एक लॉन्ड्री बैग है जिसमें मेरा कपड़ा रहता है, जो हम कपड़ा धोने के लिए डालते हैं, वैसे लॉन्ड्री बैग है वो। और उसके साइड में एक डस्टबिन है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ट्राईपॉड, हेडफोन, जो मेरा मेन गेमिंग डेस्क है, और एक्स्ट्रा ट्राईपॉड यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पर एक बेड है और एक वॉल भी है जहाँ पर हम कुछ कुछ पोस्टर्स लगाए हैं, वो भी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक हम टेबल रखे हैं, बेड टेबल, जो हम ठंड में यूज़ करते थे, क्योंकि लाइक ठंड में ऑब्वियसली टेबल पे काम करना बहुत मुश्किल रहता है, कम्बल के अंदर काम करने में मज़ा आता था। और ये मेरा एक पर्दा है। यहाँ पर एक मेरा चेयर है, मेरा कॉलेज बैग और निंटेंडो का ऑब्वियसली केस है। और यहाँ पे मेरा खाने पीने का सामान रखा हुआ है, ट्राईपॉड वगैरह, और लाइक हम पोस्टर्स भी लगाए हैं वॉल पर सामने, उसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पर एक और लेफ्ट में एक और ट्राईपॉड है, मतलब टोटली मेरे पास दो ट्राईपॉड है जो रिंग लाइट वाला। और उसके अलावा मेरे पास जो वार्डरोब के ऊपर हम ग्रीन स्क्रीन रखे हैं जो मेरा स्टैंड के साथ आता है, तो वो हम ऊपर इसलिए रखे हैं क्योंकि ऑब्वियसली मेरे रूम में काफ़ी छोटा जगह है, जब भी हम वीडियो शूट करते हैं तो हम नीचे लेते आते हैं। तो ऐसा कुछ है ये सब, तो बाकी मेरा नॉर्मल सामान है तो वो आप सब इग्नोर करो। तो आपको मेन दिखाते हैं हम डेस्क में क्या क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर है मेरा जो मेनली यहाँ पर है जो मेरा हेडफोन है, बोट का हेडफोन है। जितना भी गाइस यहाँ पर प्रोडक्ट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जिसका इसका हम रिव्यू बना चुके हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा, तो चेक कर लेना। सो आपको दिख रहा होगा ये बोट जो का जो हेडफोन है इसका हम बना चुके हैं लाइक रिव्यू, तो ये आपको दिख जाएगा अभी आई बटन में। इसके अलावा यहाँ पर मेरा बूम आर्म में लगा हुआ है मेरा माइक। ये माइक है कॉस्मिक बाइट की तरफ से आता है, डीमॉस करके माइक है। सो काफ़ी अच्छा माइक है, काफ़ी ज़्यादा लाइक बहुत अच्छा लगा हमको ये माइक, इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी सही है। उसके अलावा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मेरा माउस है, मेरा माउस आता है रेड गियर की तरफ से। सो गाइस उसके बाद बताते हैं आपको, ये है मेरा कीबोर्ड, ये मेरा फेवरेट कीबोर्ड है गाइस का आप आवाज़ सुनो, ये फुल्ली मैकेनिकल कीबोर्ड है, रेड गियर की तरफ से आता है शैडो ब्लेड करके, बहुत ज़्यादा अच्छा कीबोर्ड है। इसका फंक्शंस कमाल का है, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये कीबोर्ड। सो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा गाइस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रियलमी का बड्स एयर 3, काफ़ी ज़्यादा सही है ये, हमको बहुत अच्छा लगता है इसका साउंड क्वालिटी। उसके अलावा आपको दिखाया तो यहाँ पर एक यूबॉन का यूएसबी एक्सटेंशन है, ऑब्वियसली आप जानते हो लैपटॉप में कम पोर्ट्स होते हैं तो ये बहुत काम आता है मेरे लिए। 200-250 का है, चीप क्वालिटी का ये, बट मेरा काम चल जाता है। इसके अलावा गाइस हम निंटेंडो के बहुत बड़े फ़ैन हैं, लाइक हम निंटेंडो बहुत मज़ा आता है हमको खेलने में, हैंडल्ड कंसोल के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं ऐसे तो, लाइक मेरे पास पीएसपी भी था तो हमको हैंडल्ड कंसोल खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो ये भी काफ़ी सही है, इसका भी रिव्यू आपको चैनल पर मिल जाएगा। गाइस अब बात करें तो ये है मेरा द बीस्ट लैपटॉप, बहुत सही लैपटॉप है। गाइस इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बताया तो इसका स्पेसिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा सही है। ये आता है i7 11th जनरेशन के साथ, इसका रैम है 16GB DDR4, और इसके ग्राफिक के बारे में बात करें तो इसमें आता है 3060। सो बहुत ज़्यादा पावरफुल पैक ये लैपटॉप है मेरा, बहुत अच्छा से काम कर देता है, यूट्यूब के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। हम सोच रहे हैं एक हम एक्सटेंडेड मॉनिटर लें अपने लिए, बट देखते हैं वो हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि लाइक अभी मेरे यहाँ पर जगह भी नहीं है, आप देख पा रहे होगे, आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे कुछ खास जगह भी नहीं है वो रखने के लिए एक्सटेंडेड मॉनिटर।
और यहाँ पे लाइक अभी मेरा काम चल रहा है तो फिलहाल अभी हमको उसका ज़रूरत कुछ खास नहीं है, सो देखते हैं हम लोग कब लेते हैं उसको। उसके अलावा यहाँ पर ये जो मेरा वेबकैम है वो है लॉजिटेक का है, ऑब्वियसली 720p का वेबकैम है, 2000 के अराउंड आता है, काफ़ी ज़्यादा सही है। उसके अलावा गाइस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं बोट का लाइक जो है स्पीकर्स, बोट स्टोन शायद 350 है आई गेस, याद नहीं है हमको, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ पे देख सकते हो। और ये यहाँ पर एक मग है जो हम यहाँ से पीते हैं, कभी कभी गर्म पानी यहाँ टूट भी गया है, गिर गया था। और गाइस ये मेरा एक सेकेंडरी फ़ोन है जो है रेडमी नोट 7 प्रो, ये भी काफ़ी सही है, इसे कभी कभी शूटिंग में काम आ जाता है, यहाँ पर हम ट्राईपॉड में माउंट करके इससे भी एंगल से शूट कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेरा हेल्प हो जाता है। एक्स्ट्रा फ़ोन होने की वजह से आपको ऑब्वियसली यूट्यूब में एक एक्स्ट्रा फ़ोन की जरूरत पड़ता ही है, सो मेरे लिए काफ़ी ये सही चीज़ हो जाता है। और ये क्या उसके बाद अगर एक्सटेंडेड पैड के बारे में बात करें तो ये आता है कॉस्मिक बाइट का फुल एक्सटेंडेड यहाँ पे माउस पैड है, ये भी काफ़ी सही चीज़ है, सो ये काफ़ी ज़्यादा लाइक अच्छा इसका कलर्स यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, RGB स्ट्रिप से काफ़ी अच्छा है। तो क्या जो यहाँ पर यूबोन का है ये इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पर मेरे पास जो एक एक्सटेंशन है यहाँ पर हम ये इसलिए लिए थे क्योंकि इसमें USB पोर्ट्स है, बट यहाँ पर मेरा एक एक्सटेंशन ख़राब हो चुका है तो इसलिए अभी हम इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली डेस्क पे ही रहता है, यहाँ पर हम रख देते हैं इस पर। तो ये सारे जो यहाँ पे लाइक जो मेरा ये दोनों रिंग लाइट्स है वगैरह और ये मेरा एक्सटेंडेड पैड का है ये सारा उसमें चला जाता है, तो काफ़ी सही चीज़ रहता है, हमको ये यूबन वाले की कुछ खास ज़रूरत पड़ता नहीं है हमेशा। और लाइक वेबकैम भी हम कम ही यूज़ करते हैं क्योंकि लाइक मेरा लैपटॉप का खुद का जो क्वालिटी है वो ज़्यादा डिफर नहीं करता है वेबकैम से, तो मेरा काम उसमें चल जाता है, तो वेबकैम का भी उतना ज़्यादा यूसेज अभी नहीं है। और गाइस यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हम पोस्टर्स लगाए हैं और RGB स्ट्रिप लगाए हैं। गाइस यहाँ पर RGB स्ट्रिप यहाँ से एक और लाना है हमको, वो हम लेते आएंगे जो मेरा यहाँ पर कंप्लीट कर देगा। और यहाँ पर पोस्टर्स आप देख लो कौन कौन से हैं, GTA 5 मेरा फेवरेट, जो तीन मेरा फेवरेट है GTA 5, टेक्केन और ओवरवॉच जो हम खेल रहे थे काफ़ी टाइम से, वो तीनों हम सेंटर में लगाए हैं, बाकी आप देख ही सकते हो। सो बस गाइस यही है। और इस रूम का बात करें तो यहाँ पर एक विंडो है, यहाँ पर AC भी दिया हुआ है विंडो, अभी AC का तो कोई काम होता नहीं है ठंडी में, तो ऐसे ही रहने वाला है। मेरे रूम का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सही है, लाइक मेरे लिए तो काफ़ी सही है, छोटा रूम है बट मेरा काम चल जाता है काफ़ी आई गेस काफ़ी अच्छे तरीके से इसको हम सेटअप किए हैं। सो आप बताना कि आपको कैसा लगा। तो बस गाइस इतना इतना इस वीडियो के लिए, आई होप आपको मेरा सेटअप काफ़ी अच्छा लगा हो। गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है इसको बिल्ड करने में, अभी काफ़ी चीज़ हमको ऐड करना है, जैसे कि एक तो हो जाएगा हम लोग मॉनिटर ऐड करने की कोशिश करेंगे, एक हम सोच रहे हैं कि हम गेमिंग चेयर ऐड करें, यहाँ पे एक मेरे पास नॉर्मल जो चेयर है वही आता है, देखते हैं हम लोग कैसे ग्रो करते हैं। तो हम लोग गेमिंग चेयर भी लेंगे, एक हम लोग मॉनिटर लेंगे और एक हमको चाहिए लैपटॉप कूलर। वैसे मेरे लैपटॉप में टर्बो मोड है सो अभी कूलर का जरूरत नहीं पड़ रहा, बट थोड़ा सा लैपटॉप एलिवेट करने के लिए भी जो कूलर होता है वो काफ़ी सही होता है, सो देखते हैं अगर हम लोग कूलर का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कूलर लेंगे। तो अगर कहीं आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, कमेंट बता देना गाइस जो जो आपके सजेशन देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।